जिसमें से हमने एक आयत का अभी इंतखाब किया दर्स के लिए, जो नमाज तरावी पढ़ी गई और जो कुरान पढ़ा गया, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। हमारे लिए दीन दुनिया में हर किस्म के फ़ायदा जरिया बनाए और दुनिया और आखिरत के हर किस्म के शर और बुराई से महफूज रखने का भी एक जरिया बना दे। जो आयत हमने पढ़ी है और इसके अलावा भी चंद आयत का इंतखाब किया है आज के दर्स में, तो इसके अंदर एक मसला बयान किया है अल्लाह ताला ने, जो बड़ा आम मसला है। अल्लाह ताला ने कहा, ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालों, जब तुम खड़े हो, कुम यानी काम या कुम से, लेकिन यहाँ माना होगा जब तुम इरादा करो, आमनू कुम तुम इलस्सला, खड़े होने से मुराद जब तुम इरादा करो, नियत करो नमाज का, तो ऐसे वक्त में फ़क्सिलो वुजूहकुम, तुम अपने चेहरे को धो और अपने हाथ को धो, अपने सर का मसह करो और अपने पैरों को टखनों समेत धो। وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّاهَرُوا, और अगर तुम जुनबी हो, यानी जुनबी एकदम नापाक हो, तो ऐसे वक्त में सिर्फ वजू से काम नहीं चलेगा बल्कि गुस्ल करना पड़ेगा। وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَاتَّاهَرُوا, जैसे कोई बालिग है, अब एहतलाम हो गया, या मियाँ बीवी मिल लिए, या ख़वातीन के जो मखसूस अय्याम रहते हैं हैद नफास, उससे वो फारिग हो गए, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला कह रहा है फ़त्ताहरू, तुम तहारत ले यानी तुम गुस्ल करो। वइन कुंतुम मरदा अव अला सफर, अगर तुम में कोई मरीज है
या सफर में है, इन कुंतुम मरदा अला औ अला सफर औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा, या कि कोई तुम में से चले गया पेशाब पैखाना से फारिग हुआ, या तुम में से कोई अपनी बीवी से मुलाकात कर लिया हम बिस्तर हुआ, तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने फरमाया वाला सफर, सफर में हो, बीमार हो, या कि इस तरीके से कोई और मामला हो, फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदा, अब पानी अगर तुमको नहीं मिलता है तो तुम तयम्मुम कर लो पाक मिट्टी से, फतयम्ममू सईदा तय्यिबा फमसहू बिवुजूहिकुम, अपने हाथ को अपने चेहरे पर फेरो और हाथ पर फेरो, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, वजू का हुक्म देकर अल्लाह किसी को तंगी में, मुश्किल में, तकलीफ में डालने का इरादा नहीं है, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम बि وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, بلکہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تم کو پاک کر دے, وَلَكِنْ يُطَهِرَكُمْ, اللہ تم کو پاک کر دے, اور دوسرے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں کو تم پر پوری کرے, نچھاور کر دے, और तीसरे ताकि तुम शुक्र अदा करने वाले बन जाओगे। यहाँ वजू का फायदा अल्लाह ताला ने एक बड़ा प्यारा बयान किया, वो क्या, वलाकिन युतहिरकुम, कि अल्लाह तुमको पाक कर दे। चुनांचे एक बड़ी प्यारी दुआ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और पढ़ा, कि अल्लाहुम्मा जाल, ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मिन शर्रि समई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई, ऐ अल्लाह तआला तू मुझे समाअत के, कान के शर से तेरी पनाह दे आता, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई وَمِن شَرِّ بَصَرِ, اور اللہ بصارت کے, آنکھ کے جو شر ہوا کرتے اس سے میں تیرے پناہ میں آتا ہوں, وَمِن شَرِّ بَصَرِ وَمِن شَرِّ لِسَانِ, اے اللہ زبان سے جو برائیاں ہوتی ہیں, جو شر ہوتا ہے, اس زبان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں, وَمِن شَرِّ لِسَانِ وَمِن شَرِّ قَلْبِ, اور دل کی جو شرارتیں برائیاں ہوتی ہیں اس سے بھی میں تیرے پناہ میں آتا ہوں, وَمِن شَرِّ مَنِيِّ, اور شرمگاہ کے, منی کے, خواہشات کے جو شر برائی ہوتی ہے اس سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. کتنی پیاری دعا ہے. انسان کے اندر جب برائی, بدکاری, بے حیائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا ذریعہ کیا ہوتا ہے, کان. آپ یہاں بیٹھے ہیں, ایک کلومیٹر پر گانا چل رہا ہے تو آپ کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے, وہاں کوئی بیٹھ کے ہے کسی کی برائی نہیں بکر آپ مزے لے کر سن رہے ہیں, یہ سب کان کے شر ہیں. تو اللہ تعالی سے ہم دعا کیا کرتے ہیں, اے اللہ کان کے شر سے بچا. پھر اس کے بعد جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں ہم کتنی برائیاں دیکھتے رہتے ہیں, اس کو گنانے کی ضرورت نہیں, ہم آپ سب واقف ہیں. تو اس آنکھ کے جو شر ہوتے ہیں اس سے بھی پناہ میں. اب پھر لسان, منہ کی کیا برائی ہوتی ہے, جو غیبت, چغل خوری یا اس طریقے سے مسخرہ, یہ دنیا بھر کی یہ زبان, یعنی ترتیب وار نبی کی دعا کیسے, کن سے پہلے نمبر پہ برائی ہوتی, ان برائیوں کے بعد اب اصل یہ تصدیق ہے کرنا ہے, تو یہاں اس سے بھی پناہ مانگی گئی.
अब आखिर में जो सबके बुराइयों पर ठप्पा लगाता हो शर्मगाह के बुराई से भी शर से भी हमें महफूज कर ले। इन चीजों से अगर गुनाह हो गए हैं तो अल्लाह ताला इस वजू के जरिए से वो गुनाह भी माफ कर देता है। अब सबसे पहले वजू, एक तो ये है जब वजू कब करें, हमेशा एक मुसलमान को तो वजू से रहना चाहिए हमेशा, नहीं तो कम से कम जब नमाज का इरादा करे तो वजू करे। अगर वजू पहले से है कर लेता है तो बेहतर है, नहीं करता तो पुराना वजू चल सकता है, एक चीज। और दूसरी चीज, जब वजू करने जा रहे हैं तो नियत का होना जरूरी है। जैसा रोजा रखते हैं बेला नियत के आप रोजा रख दे रमजान के फर्द का फजर से पहले ना करें तो वो रोजा काबिले कबूल, ऐसे ही जब वजू कर रहे हैं तो नियत का होना जरूरी है कि हम नमाज के लिए वजू कर, लाजिम है, जरूरी है। बेला नियत के वजू कर लिए तो आपका वजू दुरुस्त सही नहीं होगा। और तीसरी चीज, जब आप वजू करने की इब्तिदा कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है। कुछ मुहद्दिसीन उलमाओं ने यह नकल किया है कि अगर किसी शख्स को याद हो बिस्मिल्लाह पढ़ना वजू करते वक्त फिर भी नहीं पढ़ता तो उसका वजू नहीं होगा। हाँ, किसी को ख्याल नहीं है, नहीं पढ़ा चलता, लेकिन जब याद आ जाए दौराने वजू बिस्मिल्लाह पढ़ ले। इसी तरीके से तरतीब वार वजू करें, जैसे जैसे नबी ने सिखाया, पहले कोई पैर धो ले फिर मसा कर ले फिर चेहरा, तो ये वजू तरतीब लाजिम है वजू के अंदर। फिर उसके बाद मुसलसल धोए, ये नहीं कि चेहरा धो के बैठ गया उधर बात कर रहा है अब चेहरा का पानी सूख गया, नहीं, सूखने से पहले पहले दूसरा उज़्र धो ले। इसी तरीके से एक मर्तबा भी धोए तो फर्द पूरा हो जाएगा, दो मर्तबा तीन मर्तबा से ज्यादा अगर आज़ाए वजू को धोता है तो ये खिलाफ सुन्नत है, ऐसा शख्स सुन्नत की मुखालफत करने वाला है। तो वजू के लिए ये शराइत जरा याद रखें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी शरीफ के अंदर नकल करते हैं, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पानी लिए बर्तन में और एक हाथ से दूसरे हाथ पर डाला तीन मर्तबा, इस तरीके से हम कहें यूं यूं कर लेते हैं, ये बराबर खिलाल होना चाहिए। और फिर उसके बाद पानी लिया कुल्ली के लिए, कुल्ली किया और नाक में पानी चढ़ाया। ये बात भी याद रखी, जिस हदीस में यह है कि कुल्ली के लिए अलग पानी लिया जाए फिर नाक में डालने के लिए लोग फिर अलग से नया पानी लेते हैं, ये खिलाफ सुन्नत है, वो हदीस सही नहीं। एक ही चुल्लू से उसके कुछ हिस्से पानी से कुल्ली किया जाए और फिर जो बचता है उसी चुल्लू में उसको नाक में चढ़ाया जाए, एक ही चुल्लू से, यह हदीस सही है। तो पहले कुल्ली फिर नाक में चढ़ाया जाए और नाक को झाड़ा जाए, फिर उसके बाद चेहरा धोया जाए पूरा हिस्सा, अगर घनी दाढ़ी है तो खलाल कर लिया जाए, फिर सीधे हाथ को केहनियों समेत धोया जाए और फिर बाएं हाथ को धोया जाए, फिर पूरे सर का, मुस्लिम की रवायत है, जहां से ये बाल उगा है पेशानी है यहां से आप इस तरीके से हाथ लेके जाएं पीछे तक गुद्दी तक, बाल कि शौकीन है तो बाल खराब होने का डर ना रखे, बाल को बाद में सही कर लें, अच्छे तरीके से ले जाइए
और फिर उसके बाद बुद्धि से उसी अंदाज में वापस लाए जहां से आपने शुरू किया था, और फिर उसके बाद पानी ले लें और अपने कान के अंदरूनी हिस्से में खूब अच्छी तरीके से फिराएं पूरे कान के अंदर, और कान के बाहरी हिस्से पे अपने हाथ के अंगूठे का मसाज करें। ये होगा पूरे चेहरे का धोना। फिर उसके बाद आप सीधे पैर को धोएं, और पैर को धोएं ऐसा कि आपकी ये उंगली जो है पैर के उंगलियों के दरमियान खिलाल भी करते चले जाएं। बाएं पैर को धोएं तो बाएं पैर के उंगली को भी खिलाल अच्छी तरीके से करें, और फिर यह भी बेहतर है, मुनासिब है कि अपनी शर्मगाह पे थोड़ा सा पानी यूं छिना करें ताकि कभी पेशाब वगैरह को छिट्टा वगैरह गया है तो वो शक वगैरह दूर हो जाए इस तरीके से। और फिर इस तरीके से वजू करते हुए ख्याल करें, खास करके ठंडे वगैरह के मौसम में कभी कभी पानी नहीं पहुंचता। अबू दाऊद की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा जोर से सफर में थे, ऐ लोगों अपने एड़ियों का खूब अच्छी तरीके से ख्याल करो, कहीं ऐसा ना हो खुश्क रह जाए जिसके वजह से वो दोजख में हिस्सा डाला जाए। ये आजाए वजू जो धोना है वजू के अंदर, अल्लाह की कसम एक बाल सुई की सुराख के बराबर भी कहीं खुश्क रहेगा तो वजू। एक सहाबी रसूल को आपने देखा, अबू दाऊद की रवायत है, खुश्क है थोड़ा सा, आपने कहा जाओ फिर से वजू करके आओ। उस्मान रजी अल्लाह तआला ने इस तरीके से वजू किया, और वजू करने के बाद कहा जो शख्स इस तरीके से वजू करे जैसा कि मैंने किया है, और फिर उसके बाद वो शख्स 2 रकात नमाज पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के सारे गुनाह को बख्श देता है, सारे गुनाहों को। यह है वजू, अल्लाह ताला ने वजू के जरिए से गुनाह माफ। एक बार एक सहाबी रसूल हजरत आमर बिन अबसा रजी अल्लाह तआला ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वजू के बारे में बताएं, यानी वजू क्यों किया जाता है, क्या फायदा है, कैसे किया जाता है, वजह तो कुछ बताएं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल वजू में इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैहि मुस्नद अहमद के अंदर इस हदीस को नकल किया है हजरत आमर बिन अबसा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि जब इन्होंने ये सवाल किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुंह के अंदर पानी डालता है, गुल्ली करता है और नाक में पानी डाल के चढ़ाकर और झाड़ देता है तो जितने गुनाह है सब के सब अल्लाह ताला साफ कर देता है। दुआ क्या, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिन शर्र लिसानी, अल्लाह जबान के जो भी शर है बुराई है मांग। इस दुआ इस कुल्ली के जरिए से नाक में पानी तो नाक से भी जो शर बुराई हो सकती है वो भी अल्लाह इसके जरिए से झाड़ देता है, खत्म कर देता है, मुंह से भी जो बुराई हुई है अल्लाह उसको भी साफ कर देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब चेहरा धोया जाता है और जो बाल चेहरे पे दाढ़ी वगैरह के रहते हैं तो वजू के अंदर धोने की वजह से वो पूरे
गुनाह दूर हो जाते हैं, ये वजू का फायदा। कान के, आंख के, मुंह के सारे। फिर जब हाथ धोता है कहनियों समय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये आज़ाए वजू मैदान महशर में चमकते होंगे, तुम में से जो शख्स चाहता है चमकाए, जितना चाहे चमका सकता है। यही वजह है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला ने यहां तक धोया करते थे, बेहतर है यहां तक धोया जाए। और फिर बाया हाथ, तो जितने गुनाह है बुराई है सब के सब आज़ाए वजू को धोने के वजह से अल्लाह साफ। फिर आपने फरमाया जब सर का मसा किया जाता है तो जो गुनाह सर के बाल के ऊपर हैं, मसा करने की वजह से वो गुनाह भी सब छड़ जाते हैं। इसी तरीके से पैर धोया जाता है तो पैर के जरिए जो गुनाह हुआ है सब अल्लाह दूर कर देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स अच्छी तरीके से वजू किया और फिर दो रकात नमाज पढ़ा और रकात नमाज में अपने नफ्स के अंदर कुछ बात नहीं किया, नफ्स के अंदर बात नहीं, अब हमारे दिल में आ गया फना क्या करता होगा, हमारे दिल में दुकान में मेरे क्या होते होंगे, हमारा दिल दिमाग कहीं, तो ये दिल में बात कर। इस तरीके से खुशू और खुजू के बाद दो रकात नमाज पढ़ा कि दिल दिमाग उसका कहीं नहीं गया, जैसे जिस्म रब के सामने हाजिर है वैसे दिल दिमाग भी हाजिर हो, इस तरीके से दो रकात नमाज पढ़ा वजू करने के बाद, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ आमर बिन अबसा सुन लो अल्लाह के कसम वो गुनाहों से ऐसे साफ हो गया जैसे उस दिन था जिस दिन उसकी मां ने अपने पेट से उसको जन्म दिया था। मा युरीदुल्लाह लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम बिह। अल्लाह ने वजू का मकसद बताया ताकि तुमको खूब पाक और साफ कर ले। जब इंसान गुनाहों से पाक साफ हो गया अल्लाह के फजल से सिर्फ एक ही वजू से, तो अब उसका ठिकाना जाहिर बात है एक ही है जन्नत, और कोई ठिकाना नहीं है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ के अंदर किताब अल वजू के अंदर नकल करते हैं रावी उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ऊंट वगैरह थे मेरे और दूसरे लोगों के थे, एक हमारे साथ रहते थे, तो हम ऊंटों को चराने के लिए बारी बांधे थे, एक दिन मैं ऊंटों के रखवाली और एक दिन मेरा साथी, दोनों ये तहिया किए थे भाई दोनों साथ तो नबी के मजलिस नहीं आ सकते, दुनिया भी देखना है जानवर भी देखना, तो ऐसा करे एक दिन एक शख्स ऊंटों की रखवाली करे चराए और दूसरा शख्स जाए घर वगैरह काम काज देख के नबी की महफिल में बैठे और सुने कि रब ने आज कौन सी कुरान की आयत नाजिल फरमाया और नबी ने कौन सी हदीस कौन सा मसला कौन सी हदीस लोगों के सामने बयान कर ली, उसको सुन ले और जो शख्स की बारी ऊंटों के देखभाल की थी उसको आकर बता दे और दूसरे दिन वो दूसरा जाए। दीन सीखने का, इल्म सीखने का, मसाइल सीखने का कितना शौक था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक शख्स दीन की बात सुन्नत सुनता रहता है, सुनने से कभी आसूदा नहीं होता, उसका पेट भरता नहीं, वो उकताता नहीं, वो बेजार नहीं होता, सुनता है अमल करने की कोशिश करता है, इसी कोशिश में अल्लाह का प्यारा हो जाता है और इसी कोशिश के वजह से वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। और आज हम बेजार हो जाते हैं, तो इस तरीके से दोनों ने बारी बांध लिया था।
कहते हैं एक दिन मैं आया नबी के मजलिस में, आने की मेरी बारी थी। मैं आया ईशा की नमाज से पहले पहले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान खड़े हुए, कुछ नसीहत कर रहे थे। मैं जल्दी किया, पहुंच के बैठ गया मजलिस में। जब मजलिस में पहुंचा तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जबान से जो अल्फाज निकल रहे थे वो अल्फाज ये थे कि जो शख्स खूब अच्छी तरीके से वजू करता है और दो रकात नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह ताला अच्छी तरीके से तो वजू करने और उसके बाद तहय्यतुल वजू यानी दो रकात नमाज पढ़ने, यही अदा तो थी ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत की सैर कर रहे थे, जन्नत के नजारे आपको बताए जा रहे थे, तो आपने अपने आगे आगे चलने की किसी की आवाज आहट सुनी। जिब्रील अमी से पूछा सामने किसके चलने की आवाज आती है, तो जिब्रील अमी ने बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उस उम्मती के जो अभी दुनिया ही में जिंदा है चलता वहां है, आवाज जन्नत में आती है। तो कहा कौन? कहा बिलाल रजी अल्लाह तआला। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन बिलाल रजी अल्लाह तआला से मुलाकात की तो तज़किरा किया, ए बिलाल मैंने आपको देखा, मैंने आपको देखा कि आप जन्नत की सैर करते हुए आप हमारे सामने सामने चल रहे थे, आपकी चलने की आवाज आहट महसूस हो। आखिर आप कौन सा अमल करते हैं, कौन सी अदा है कि रब्बुल आलमीन ने आपको ये मकाम अदा किया? वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। कैसे आवाज आई? हर चीज पे अल्लाह ताला कादिर है, हर चीज पर, कोई ऐसी चीज नहीं। रब ने कह दिया, नबी ने फरमा दिया, दिलो जान से अपने पेशानी का नूर बना लेना चाहिए कि अल्लाह हर चीज पर। एक इंसान है, हम ठहरे रहते हैं, बाजू में सोता रहता, हम देखते हैं वो इत्मीनान से सोया हुआ, लेकिन ख्वाब में वो कभी लड़ता रहता है, कभी गोली मारता है, कभी कूद जाता है, कभी कुछ, लेकिन हम देखते हैं अल्लाह हर चीज पर कादिर है दोस्तों। तो गाय नबी वसलम कुछ भी नहीं, जब वजू टूट जाता है मैं वजू करता हूँ, फिर दो रकात नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल यही अदा है जिसके वजह से अल्लाह ने ये मकाम तुमको अदा किया है। तो खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अच्छी तरीके से वजू करे और दो रकात नमाज पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को वाजिब फर्ज जरूरी करा देता है। उकबा बिन आमिर रजी अल्लाह ताला कहते हैं नबी रहमत के जबान से जब ये अल्फाज मैंने सुने तो खुशी से मुझसे रहा न गया और अल्फाज जोर से मेरे मुंह से निकल गए, सुभान अल्लाह, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। एक वजू करे बंदे मुस्लिम और फिर दो रकात नमाज पढ़े, अल्लाह उस पर जन्नत को वाजिब कर दे रहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है। कहते हैं जब मैंने ये आवाज से खुश होकर कहा तो एक साहब मेरे सामने बैठे हुए थे, पलट कर देखे, कहते हैं जब वो देखने लगे तो मैं उनको गौर से देखा तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने उठे, कहे रुकवा क्या तुम अभी आए? कहा इससे पहले जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वो तुमने नहीं सुना? कहा नहीं सुना, अब बीच में पहुंचा, यही सुना, इसलिए जबान से खुश होकर मैंने कह दिया। कहा सुनो, इसके पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरीके से वजू करे और वजू करने के बाद पढ़ता है,
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وحدہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں واشهد ان محمدا عبده ورسوله اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده اس کے بندے ہیں اس کے غلام ہیں آج ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں یہ ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں انسان مانتے ہی نہیں ہیں اللہ کا بندہ مانتے ہی نہیں اللہ کا غلام مانتے ہی نہیں ہے یہ بدعقیدگی ہے اور سمجھتے ہیں ہم نور کہتے اللہ کے نور سے ہیں ان کا مقام اور اپنے حساب سے یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے کمال یہ ہے کہ رب نے جو عقیدہ ہم کو کلمے میں دیا اس عقیدے کو ہم دل میں بھی جما لیں زبان سے اقرار بھی کریں اور پھر اسی کے مطابق لوگوں کو دعوت و تبلیغ بھی کریں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ جو شخص اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے میں گواہی دیتا ہوں اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں رہبر ہیں پیشوا ہیں آپ کی اطاعت اتباع پیروی ہمارے اوپر لازم ہے رب نے معراج کی شب سارے نبیوں کا امام بنا کر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں جناتوں کو پیغام دیا اب قیامت تک اس لائق کوئی اس تمنا پر نہیں آئے گا جس کی اطاعت جس کی اتباع جس کی پیروی تمہارے اوپر فرض ہو لیکن افسوس ہے اتنے واضح قرآن کی آیات اور احادیث ہونے کے باوجود نہ جانے کس کی تقلید اور پیروی کو لوگوں نے اپنے اوپر فرض اور ضروری قرار دیا ہے یہ جب پڑھ لیتا ہے وضو کے بعد آپ نے فرمایا قیامت قائم ہوگی میدان محشر قائم ہوگا نفسی کا عالم ہوگا جس نے نبی کے وضو کے طریقے سے وضو کیا نبی کے طریقے کے مطابق آج کٹ بھی مارا جاتا مسا کرو سر پھر اس کے بعد لو جہاں تک پھر یہ کہیں صحیح حدیث سے ثابت نہیں نبی سے جو ثابت ہے ایک مرتبہ آپ نے یہاں جہاں سے بال اٹھا کی گدی تک لے گئے گدی سے پھر وہ یہ کہاں سے کٹ مارتے ہیں اللہ کو تو جو شخص اس طریقے سے پھر یہ دعا پڑھا نفسی کا عالم ہے میدان محشر قائم ہر شخص پریشان ہے لیکن ایسے وقت میں جنت کے آٹھوں دروازے کھلے جاتے ہیں اور جس نے نبی کے مطابق وضو کیا اور پھر اس دعا کو پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے خوش نصیبوں کو جنت کے آٹھوں دروازے سے بلایا جائے گا اے اللہ کے نیک بندے اے اللہ خوش نصیب اللہ کے خوش نصیب بندے آؤ جنت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے ہیں جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ یہ ہے سنت کے مطابق وضو کرنے اور پھر دعا پڑھنے کی برکت اور اس کی فضیلت اللہ تعالی نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطاہرکم بہ اللہ تعالی وضو کے ذریعے تم پر تنگی مشکل مصیبت نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ اس کا مقصد ہے کہ وہ تم کو ہر قسم کے گناہ سے برائیوں سے پاک صاف شفاف کرے ولكن يريد ليطهر اور دعا بھی ہے ترمذی کی اس دعا کے کلمے کے ساتھ پڑھا جائے اللهم اجعلني
من التوابين وجعلني من المتطهرين. اے اللہ وضو کر لیا ہوں مجھے تواب میں سے بنا لے, یعنی وہ لوگ جو تیرے لیے ہر نماز میں متوجہ ہوتے رہے, دنیا کی ساری مصروفیت کو چھوڑ دیتے ہیں, جب اللہ اکبر کی صدا آتی ہے تو پلٹتے ہیں, وضو کرتے ہیں اور تیرے گھر میں پہنچ جاتے ہیں. میرے توابین جو لوگ تیری طرف رجوع ہوتے ہیں, جو تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں, اللہم اجعلنی من التوابین, تو ان میں سے مجھے بھی بنا دے. وجعلنی من المتطہرین, اور اللہ اس وضو کی برکت سے تو مجھے پاک لوگوں میں شامل کر دے, جو ہر گناہ سے پاک صاف شفاف تھے, بد عقیدگی سے, بد اخلاقی سے اور اس قسم کے دنیاوی گندگی سے جو بھی پاک تھے, ان لوگوں میں اس جماعت میں ہمیں بھی شامل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ وضو اور وضو کا مقصد, وضو کی فضیلت آپ کے سامنے رکھے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے, جیسا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص احدکم من الحدث, حدث اس کو لاحق ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, حتی یتوضأ, یہاں تک کہ وہ وضو نہ کر لے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو ایک صاحب نے پوچھا حدث سے کیا مراد, حدث سے وضو سے ہے نماز پڑھ رہا ہے, حدث لاحق ہو گئی تو نماز ختم, کوئی ثواب نہیں جب تک کہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز نہ پڑھے. کہا آواز سے ہو یا بلا آواز سے ہو, ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, نماز نہیں ہوتی. حالت نماز میں بھی ہے تو آپ نماز توڑ کر چلے جائیں پھر سے وضو کریں. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ طبرانی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھائے, جب نماز پڑھائے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا بھائی کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہے اور کوئی نکلا نہیں, اس لیے شرمانے کی ضرورت نہیں, جاؤ وضو کرو دوبارہ آ کر نماز پڑھو, کیونکہ اس کی نماز قبول نہیں, کوئی نہیں نکلا. اب اتنا بڑا لشکر ہے کون شرمندہ ہوگا, وہ بھی بیچارہ سوچا ہوگا بعد میں دیکھ لیں گے, نہیں نکل رہا ہے. دو مرتبہ اعلان, تین مرتبہ اعلان. تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ تھے جلیل القدر صحابی, جب نبی کے ہاتھ پر بیعت کیے اسلام قبول کرنے کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیز پر بیعت کی تھی. ایک تو یہ نماز پنجگانہ کی حفاظت کریں گے, کسی بھی حالت میں ہو نماز نہیں چھوڑیں. دوسرے زکات ادا کرتے رہیں گے. تیسرے والنصح لکل مسلم, دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہمدرد بن کر رہیں گے. یہ وعدہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, صدیق اکبر چلے گئے, عمر فاروق رضی, لیکن وہ بیعت ان کو یاد ہے, وہ بیعت ان کو یاد ہے. وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ ایسا اعلان کر رہے ہیں, وہ بیچارہ پہلے سے شرمندہ, اب یہ اعلان کے بعد کہاں جائے گا. ایسا اعلان کریں کہ بھائی چلو ہم سب مل کر وضو کریں گے, سب مل کر وضو کریں گے اور پھر نماز پڑھیں گے. تو اس جس کا وضو نہیں ٹوٹا ہے پھر سے وضو کرے گا, دوبارہ وضو کرنے کا اللہ ثواب دے گا, اور پھر پڑھے گا تو نفل کا ثواب, اور پھر تیسرا ثواب کیا ملے گا, ہم اپنے شرمندہ ہونے والے بھائی کو شرمندگی سے ندامت سے بچائے گی, اس کی عزت بھی بچ جائے گی, اس کا مذاق بھی نہیں بنایا جائے گا,
और वो वजू करके नमाज भी पढ़ लेगा, अल्लाह की पकड़ से भी बच जाएगा। कई किस्म का अल्लाह हमको अजर सवाब अता करेगा। उमर रजी अल्लाह तआला को जब जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रजी अल्लाह तआला ने ये मशवरा दिया तो बहुत पसंद आया, ऐलान कर दिया चलो सबको, पूरे जितने हजारों की तादाद में सब फिर वजू किए और फिर दोबारा आकर एक मुस्लिम भाई की सिर्फ निदामत और शर्मिंदगी से बचाने के लिए दोबारा नमाज। आज हम लोग इतना बड़ा सदका कर सकते हैं, ये कुर्बानी दे सकते हैं किसी मुस्लिम भाई की इज्जत को बचाने के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए, बड़ी जरूरत है दोस्तों इन चीजों की। तो खैर मुख्तसर ये कि हालत नमाज में रहे। हाँ कभी ऐसा भी होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया शैतान शक में डालता है, ऐसा मालूम होता है गुदगुदी करता रहता है कि हवा निकल गई लेकिन हवा नहीं निकल रही, गैस नहीं निकली रहती। तो आपने फरमाया जब तक तुम में से कोई शख्स आवाज ना सुने ले, हवा निकल रहेगी या बदबू ना सुन पहुंचे उसको, उस वक्त तक वसवसा के पीछे शक के पीछे ना पड़े, वो नमाज ना तोड़े, अपनी नमाज पढ़ता है। एक तो हवा खारिज होने से या कि पेशाब, हदीस में सभी लेन से जब भी निकल जाए, यानी दोनों रास्तों में से जब भी कुछ निकल जाए, यहाँ तक कि ख्वातीन हैं उनके अय्याम भी अगर उस हालत में शुरू हो जाते हैं तो खैर नहाना, लेकिन नमाज मुकम्मल नहीं करेगी, नमाज टूट जाएगी, वजू ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये, और दूसरे ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हम बकरी का गोश्त खाते हैं, बकरी का, भेड़ का, आज मिला लीजिए सबसे ज़्यादा चलता है किसका, चिकन, इसका, तो क्या हम खाने के बाद वजू करें जबकि पहले हमारा वजू रहता है। आपने फरमाया चाहो तो कर लो, ना चाहो तो कोई बात नहीं, यानी वजू ये सारी चीज़ें खाने से वजू टूटता नहीं है, अगर कर लो तो ताज़ा वजू रहेगा डबल सवाब, ना करो तो कोई बात नहीं, सवाब नमाज के अदा करने में कोई कमी नहीं होगी। फिर कहा हम ऊँट का गोश्त खाते हैं उसके बाद वजू करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अगर ऊँट का गोश्त खा रहे हो तो फिर से तुमको वजू करना है, गर्चे वजू है, अब क्यों, क्या है नापाक है, नहीं। उलमाओं ने ये लिखा है चूंकि ऊँट के अंदर थोड़ा जुनूनपन होता है, उसका गोश्त जरा गर्म होता है, तो इंसान जब खाता है तो पहले क्या है खाली गोश्त लेके खाते थे, रोटी चावल ये सब तो नहीं रहता और गर्म होता था, इसलिए ऊंट का गोश्त खाने से गोया वजू टूट जाता है, फिर से वजू करना लाजिम। अब इसको सामने रखें, आज कोई चीज ऐसी खाएं जिसके वजह से गर्मी आ जाए, मिसाल के तौर पर घोड़ पोड़ का गोश्त है, गर्म होता है इस चीज़ का, तो इस हदीस के रूप से फिर से उसको वजू करना पड़ेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं चलते रहेंगे वजू करके, यूँ मार लेते, गुटखा खा लेते, ये खा लेते, या लहसुन प्याज खा लेते और आए कुल्ली कर लिए नमाज पढ़े, समझे कि बदबू ख़त्म वजू बाकी है, तो नहीं। जब ऊँट हलाल है, गोश्त पकाया गया है, उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी होती है, जुनून होता है, उसके खाने के बाद नबी ने कह दिया दोबारा वजू करना जरूरी है, तो जाहिर बात है ये जो हराम चीजें हैं ये तो कभी भी जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई शख्स खा लेता है इस्तेमाल कर लेता है तो बदरजे औला उसका वजू टूट जाता है, लाजिम है, फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है कि वो दोबारा वजू करे और नमाज पढ़े, सिर्फ कुल्ली करने से काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से वजू के बाद शर्मगाह पर, अबू दाऊद की दो रवायत हैं, तिर्मिजी शरीफ की, एक सहाबी ने पूछा
अगर कोई शख्स बाद वजू शर्मगाह छीले तो क्या वजू करे? आपने फरमाया हाँ वजू करे। दूसरे साहब ने सवाल किया, आपने फरमाया नहीं, जिस्म के और हिस्सों की तरह वो भी एक हिस्सा है, वजू टूटता। दोनों हदीस सही है, अब अमल किस पर किया जाए? उलमाओं ने तदबीक ये पैदा की है कि अगर कोई शख्स बिला पर्दे के, बिला बीच में कपड़े के डायरेक्ट शर्मगाह पर हाथ रख देता है, लगा देता है, तो उसका वजू टूट जाता है, दोबारा उसको वजू करना। और अगर कोई शख्स बीच में पर्दा कपड़ा वगैरह है, जब खुजा वगैरह लेता, जरूरत पूरी कर लेता, तो ऐसे वक्त में उसका वजू टूटेगा नहीं। ये उलमाओं ने दोनों सही हदीसों के अंदर तदबीर पैदा की है। इसी तरीके से मजी आ जाए, जो मनी से कभी गर्मी की वजह से कभी कुछ सोचे निकल जाता है तो वजू टूट जाता है दोबारा। और इसी जिमन में औरतों के हैज नफास है, वहां तो खैर गुसल फर्ज है। और फिर इसी तरीके से अगर कोई शख्स सो गया इस तरीके से कि अब उसको कुछ शऊर नहीं है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ लोगों के जिस तरीके से खर्राटे निकल जाते हैं, जिसको कहते हैं घोड़ा हाथी बेचकर सो गया, इस तरीके से अगर लाशऊर हो गया, हवास उसके खत्म है, तो ऐसे सोने वाले पर लाजिम है दोबारा वजू करे, उसका वजू टूट गया। लेकिन खाली ऊँघ आ रही, खाली झुक रहा है, तो वजू में कोई फर्क नहीं है, ऊँघ रहा है चाहे 10-20 मिनट भी होंगे। सहाबा इकराम ईशा की नमाज के इंतजार में नबी के आने के ऊँघते रहते थे, कभी कभी इतना झुक जाते थे कि पैर से लग जाता, लेकिन नबी के आते ही सब ठहर जाते, सब दुरुस्त होती थी और नमाज पढ़ी जाती थी। तो ये चंद चीजें हैं, चार पांच चीजें। वजू के बाद अगर हायल हो जाती है तो वजू टूट जाता है, दोबारा वजू करना पड़ेगा। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने फरमाया मा युरीदुल्लाहु लियजअलैकुम मिन हरज, अल्लाह तुमको तंगी में नहीं डालना चाहता। क्या मतलब तंगी में डालने का? यह आयत असल में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सफर में थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम बैदा में ठहर गए, अब वहाँ से सफर करना था, लेकिन चूंकि आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हाल शायद गुम हो गया, जिसके वजह से सफर ना कर सके, नमाज का वक्त आ गया, तो ऐसे वक्त में पानी नहीं था। अब क्या किया जाए? नमाज का वक्त आ गया, तो ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यिबन फमसहु बिवुजूहिकुम। अल्लाह तआला ने सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान की वजह से इस उम्मत पर बड़ा रहम किया है, बड़े ऐसे आसानियां पैदा की है। उस वक्त हजरत उसैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये अल्फाज है दोस्तों। तो खैर, अब कोई मरीज है कि अगर पानी इस्तेमाल करे, चाहे गुसल के लिए ज़रूरी हो गया हो या वजू करना हो नमाज के लिए, अगर पानी इस्तेमाल करता है, वजू करता है या कि गुसल करता है, तो बीमारी में और इजाफा हो जाएगा, या सफर में है पानी नहीं मिलता, या कि इतनी ठंडी है कुछ जख्म उकम है और बीमारी बढ़ जाएगी। وَإِن كُنتُم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا، تم مریض ہو یا سفر میں ہو، تو ایسے وقت میں پانی نہ ملنے یا پانی نہ ملے، یہ تین وجہ اللہ نے بیان فرمائے، تو ایسے وقت میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے مٹی کو پاک بنایا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، तो अपने हाथ चेहरे पे फेरे और हाथों पर। अब ये किस तरीके से? हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो कहते हैं कि एक मर्तबा सफर में था, एहतलाम हो गया,
सुबह के वक्त नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना जरूरी है। तो ऐसे वक्त में उन्होंने कहा अब गुस्ल के कायम मकाम तयम्मुम है, पूरा कपड़ा उतार दिया, कुल्हाड़ियां मारना शुरू कर दी कि हर जगह पूरे जिस्म में रेत मिट्टी पहुंच जाए, फिर उसके बाद नमाज पढ़ी। वापस आए मदीना के अंदर, नबी से मुलाकात की और तज़किरा किया, आपने कहा अल्लाह के बंदे ये सब करने की जरूरत नहीं, पूरा कपड़ा उतार के कुल्हाड़ियां मारने की जरूरत नहीं, बस यूं मारते और आपने यूं किया। पता क्या चला, आज बहुत से लोग दीवार पर मार देते हैं थप्पा, ये दीवार में मारे तो होता ऐसी मिट्टी हो, बात भी हो और उसका असर भी, जब तो नबी ने यूं झाड़ा, इस तरीके से झाड़ दिया और फिर इस तरीके से पूरा भी और फिर चेहरे पे फेर दिया, जिसमें ये है कि चेहरे के लिए एक और दूसरा हाथ के लिए, वो हदीस सही, एक ही जरबा है, एक ही मार है, हाथ पर फेर लिया जाए और चेहरे पे। आपने फरमाया कि ऐ अम्मार ये कर लेते तुम्हारे लिए, सोचो उनकी जबान में कुरान नाजिल हो गया लेकिन कुरान समझे तो गलत मसला निकाल लिए। नबी ने कहा ये मसला सही नहीं, ऐसा करो। तो जब हदीस के बगैर कोई मौलवी बताए, जब सहाबी की बात की तरदीद नबी ने कर दी कि तुमने कुरान को सही नहीं समझा, सही अमल नहीं किया, तो आज हमारे जैसे मुल्ला थे क्या हदीस के बगैर कुरान समझ सकते हैं, सही आ सकते हैं? नहीं। कुरान को समझने के लिए लाजिम है, फर्द है, हदीस का सहारा है अल्लाह के। इसी तरीके से बुखारी की दूसरी रवायत है कि दो सहाबी थे और उस वक्त सफर में थे, एक सहाबी, दोनों को जरूरत पड़ गई, दोनों सहाबी को पानी नहीं मिला, तयम्मुम किए दोनों, दोनों ने नमाज पढ़ी, सफर शुरू कर दिया और आगे पानी मिला, तो एक साहब ने कहा रे तयम्मुम करके नमाज पढ़े, पता नहीं हुई कि नहीं हुई, चलो पानी मिल गया, फिर से वजू किए, फिर से नमाज पढ़ ली। दूसरे ने कहा मेरे को तो इत्मीनान है इंशाल्लाह नमाज हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहता है, अल्लाह तंगी में नहीं डाला। दोनों पहुंचे, अपने सफर के मामलात को सामने रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दोबारा वजू किया था पानी मिलने पे, तुमने जो दोबारा वजू किया और फिर दोबारा नमाज पढ़ा, अल्लाह ताला तुमको डबल अजर सवाब देगा। और पहले जिन्होंने सिर्फ पानी ना मिलने पे तयम्मुम कर लिया था, नमाज पढ़ लिया था, दोबारा पानी मिला, वजू भी नहीं किया, नमाज भी नहीं पढ़ी, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने सुन्नत पर अमल किया है, तो गोया ये सुन्नत है। तो ये तयम्मुम अल्लाह ताला ने कितनी आसानी पैदा कर दी। और दूसरी चीज, जिन चीजों से वजू टूट जाता है उन्हीं चीजों से वजू भी, तयम्मुम भी टूट जाता है। जिन चीजों को वजू करने से पहले जो चीजें जरूरी है, नियत बिस्मिल्लाह, और ये भी सुन लें, आमतौर पर बहुत से लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, हदीस में अल्फाज सिर्फ बिस्मिल्लाह, खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह या बिस्मिल्लाह ही वाला है, वजू के वक्त बिस्मिल्लाह, यही साबित है, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं साबित। तो खैर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत जो है बड़ी अहम है, आज वजू में बहुत सारे लोग गलती करते रहते हैं, जिसको हमने बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा और कुछ आयतों का हमने इंतखाब किया था, लेकिन इतने ही वक्त मुकम्मल हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल के दर्स में बात आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही मानों में कुरान और सुन्नत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।